फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय YT चैनल हेयर। तो इस वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे आप किसी भी Xiaomi के डिवाइस में, चाहे आपके पास MIUI 12 हो, चाहे आपके पास MIUI 12.5 हो, चाहे आपके पास MIUI 13 ही क्यों ना हो, और चाहे आपके पास कोई सा भी एंड्रॉयड का वर्जन हो, आप यहाँ पे Dolby Atmos किसी भी Xiaomi के डिवाइस में विदाउट एनी रूट, विदाउट एनी बूटलोडर अनलॉक, विदाउट एनी कस्टम रिकवरी किसी भी Xiaomi डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस वाली वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ Dolby Atmos किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं अपने किसी भी Xiaomi के डिवाइस में। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मेरे गेम सर्वो में मुझे Dolby Atmos का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता है। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे गेम टर्बो ओपन करके यहाँ पे कोई सभी एक एप्लीकेशन को भी यहाँ पे ऐड अप करके फटाफट से दिखा देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि आप यहाँ पे किस तरीके से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने जेड आर्चीवर को गेम टर्बो में सक्सेसफुली ऐड अप कर लिया है। तो इसके बाद अब मैं आपको यहाँ पे जेड आर्चीवर एप्लीकेशन ओपन करके यहाँ पे इसमें गेम टर्बो में दिखा देता हूँ कि मुझे यहाँ पे इसमें जो है Dolby Atmos देखने के लिए नहीं मिलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे केवल क्लियर मेमोरी, DND, स्क्रीनशॉट रिकॉर्ड, वाईफाई कास्ट, टर्न ऑफ स्क्रीन सेटिंग्स, और इसके नीचे मुझे टाइमर का ऑप्शन, लेकिन मुझे यहाँ पे Dolby Atmos देखने के लिए नहीं मिलता है। अब बात करते हैं आप इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं किसी भी Xiaomi के डिवाइस में। तो उससे पहले मैं आपको इसका फुल प्रीव्यू यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो आपको सिंपली एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है Dolby Atmos Lite। तो सिंपली इस वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और अपने Xiaomi डिवाइस में इंस्टॉल कर लीजिए। और इसका क्रेडिट भी मैंने अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, और इसके नीचे भी लिखा गया है ऐप मॉडिफाइड बाय इशारा APC बाय APC पोर्ट्स। तो आप इसको किसी भी Xiaomi डिवाइस, MIUI 12, 12.5, MIUI 13, Android 10, Android 11, Android 12 किसी भी Xiaomi डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगी, जो कि एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। तो अब बात करते हैं इसको किस तरीके से यूज़ करना है। तो आपको पता है जिन डिवाइसेस में Dolby Atmos हमारा प्री इंस्टॉल्ड आता है, जैसे कि Redmi Note 10 Pro, Note 10 Pro Max, तो मैं उसमें Dolby Atmos को कई बार यूज़ करता हूँ। उसमें मुझे सेटिंग्स में कई बार ये ऑप्शंस भी मिलते हैं, डायनामिक बास, बास्ट बूस्ट और ये सब, वर्चुअलाइजर। तो आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, और ये वाली सेटिंग्स जो है ये आपकी हेडफोन्स के लिए मेरे ख्याल से वर्क कर जाती है, क्योंकि मैं इसको अपने Redmi Note 10s में यूज़ कर चुका हूँ। मुझे उसमें ऑफिशियली Dolby Atmos नहीं मिलता है, तो उसमें ये यहाँ पे परफेक्टली वर्किंग कर रहा है, कोई भी इशू देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो आप यहाँ पे अपने डायनामिक बास की परसेंटेज को आप कितना रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। अगर आपको डायनामिक बास नहीं चाहिए तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, बास बूस्ट को भी आप ऑफ ऑन कर सकते हैं, वर्चुअलाइजर को भी ऑफ ऑन कर सकते हैं, और इसी के साथ आप यहाँ पे Dolby Atmos को अपने डिवाइस स्पीकर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है हमें इस वाली एप्लीकेशन में। तो इस वाली एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए आपको कोई भी रूट की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बूटलोडर अनलॉक की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कस्टम रिकवरी की ज़रूरत नहीं है। सिंपली जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, यूज़ कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको Dolby Atmos का फीचर कैसा लगता है। अगर आपको ये ऑफिशियली चाहिए तो ऑफिशियली, तो अगर आपको ये मिल रहा होता तो अब तक आपको मिल जाता, लेकिन आप इसको किसी भी Xiaomi डिवाइस में इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी करना, और शेयर भी ज़रूर से यहाँ पे कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।
day.